अंदर। मैं अपने रूम में कुछ चीजें पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? बिल्कुल। राघव, मैं मंदार को इसलिए रिप्लाई कर रही हूँ ताकि वो बेचैन ना हो जाए, वरना फिर से कोई इशू हो जाएगा। हाँ, ठीक है। शुरू हो गया उस बिना एड्रेस के एनवेलप का नाटक। पता देता हूँ पल्लवी को उसका स्टुपिड 7-डे चैलेंज के बारे में। पल्लवी। हाँ? वो मैं आज सुबह। एक मिनट आ राघव, पता नहीं मंदार क्यों फोन कर रहा है, क्या पता कोई इशू हो गया हो। हाँ मंदार। हेलो पल्लवी, मैं सॉरी, मैं तुम्हें इस टाइम पे फोन कर रहा हूँ। इट्स ओके, बोलो। आज मुझे अपनी अलमारी में एक स्वेटर मिला, उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे ये स्वेटर तुमने मुझे गिफ्ट किया होगा। क्या उस स्वेटर पे मरून कलर के डिजाइन है? वही है। हाँ, मैंने ही सगाई के बाद तुम्हारे लिए वो स्वेटर बुना था। ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ राघव, शायद मंदार की याददाश्त वापस आ रही है। उसे एक स्वेटर मिला है जो उसे लगता है कि मैंने दिया है, जो कि सच है। क्या पता अभी उसे किसी ने बताया और तुमको फोन करने का बहाना ढूंढ रहा। पर वो ऐसे क्यों करेगा? राघव, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले हम दोनों कितने डरे हुए थे, लेकिन आज वहां जो कुछ भी हुआ ना, उससे मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। मतलब उस घर में मेरी जितनी जरूरत थी मैंने उतना काम किया और चली आई। हाँ, काकू ने थोड़ा ड्रामा करने की कोशिश की, लेकिन आई ने उनकी चलने नहीं दी। आई की श्योरिटी देख कर ना मेरा भरोसा बढ़ गया है कि हम आसानी से इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। मंदार की याददाश्त वापस आ जाए और आई बाबा को उनकी खुशियां मिल जाए। पर कभी कभी ना मुझे मंदार के लिए बहुत बुरा लगता है। बिना यादों के जीना कितना मुश्किल होता होगा ना। कुछ ज्यादा ही सिंपति आ रहा है पल्लवी को मंदार के लिए। अभी चैलेंज के बारे में बताया तो पल्लवी बिलीव नहीं करेगी, बाद में कोई करेक्ट टाइम देख के बताएगा मैं इसको। और वो जोकर, उसे लग रहा है मैसेज और कॉल्स करके मेरे और पल्लवी के बीच में अपना लंबा नाक घुसाता रहेगा, तो ऐसा लोगों का नाक तोड़ना राघव राव को बहुत अच्छे से आता है। राघव, राघव क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, सोने चले। मगर ये ग्रीन टी कल सुबह पी लेते हैं। सॉरी, वो फोन गलती से गिर गया था। ये फोन स्विच ऑन भी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं रिपेयर करवा लूं। नहीं नहीं नहीं, उसका जरूरत नहीं है। रूम में तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, तुम चलो, मैं बताता है। ये रहा मंदार को मेरा फर्स्ट पंच। जब वो पल्लवी से नंबर मांगा था, मैं तब भी पल्लवी के लिए नया फोन और सिम कार्ड ले आया। अब आके दिखा कैसा मिलता है मेरा वाइफ का नया नंबर। राघव, ये बहुत महंगा फोन है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती। 4 दिन में ही मुझसे खराब हो जाएगा। 50 बार तो मैं फोन गिराती हूँ। नहीं नहीं, मैं अपना पुराना फोन ही रिपेयर करके यूज करूंगी। तुम मिसेस राघव राव है और ये पुराना रिपेयर्ड फोन तुमको सूट नहीं करता। और हाँ, नया फोन में नया सिम मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। नंबर क्यों चेंज कर दिया? बहुत सारे लोगों के पास मेरा पुराना नंबर है।
सारे वेंडर्स, बुनकर दादा। डोंट वरी, फराद तुम्हारा नया नंबर हर किसी को दे देगा। और मेरे पुराने फोन के कॉन्टैक्ट फराद इसमें ट्रांसफर कर देगा। अच्छा कॉन्टैक्ट छोड़ो, ये फोन की फीचर्स देखो, स्पेशली इसका कैमरा। इससे फोटो खींच के तुम फोटोग्राम पे डालेगा तो तुम्हारा बिजनेस डबल हो जाएगा। और इसमें फोटो एडिटिंग के ऑप्शंस तुम्हारे लिए परफेक्ट है। पल्लवी, तुम बहुत टैलेंटेड है और मैं नहीं चाहता तुम किसी भी वजह से किसी से भी जरा भी पीछे रहो। टॉप डिजाइनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में मैं तुम्हारा नाम देखना चाहता है। राघव, तुम जितनी मेरी परवाह करते हो शायद ही कोई करता होगा। तुम सच में बहुत सुधर गए हो। तुम मेरे को जितना प्यार करता है ना उतना कोई नहीं करता। मेरे लिए प्यार का डेफिनेशन पल्लवी है। राघव ने पल्लवी के मोबाइल के साथ कुछ किया होगा, तभी मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे। राघव राव, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो पल्लवी को मैसेज कर रहा था कुछ चीजों के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसे मैसेज नहीं जा रहे। देखो मंदार, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारे अतीत में से सिर्फ पल्लवी का नाम तुम्हें याद है, लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा कि उसकी अब शादी हो चुकी है बेटा। तुम्हें उसे इस तरह सताने का कोई हक नहीं बनता। वो अब भी हमारी मदद कर रही है क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। वो ये सब अपना फर्ज समझती है बेटा, लेकिन इस बात का हमें फायदा नहीं ना उठाना चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी पूछना है घर के किसी भी सदस्य से पूछ सकते हो। हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं बेटा। भाई, मैं सिर्फ पल्लवी का नाम जानता हूँ और वही मुझे याद है, तो हेल्प भी उसी से ले पाऊंगा। बेटा, गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग। अच्छा बार राघव का गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं गया है? हाँ अम्मा, उसका एक बड़ा एग्जीबिशन है, उसी की तैयारी में बिजी है, इसलिए सुबह सुबह ही शोरूम चला गया। गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे वाह, आजकल मेरा भाई कुछ लोगों पर एक्स्ट्रा मेहरबान हो रहा है। सही है, बहुत लकी लोग है आप, है ना अम्मा? हाँ, राघव पहली बार अकल का काम किया है, वरना इतना टाइम हो गया पल्लवी के पास ना तो वेडिंग रिंग था और ना एंगेजमेंट रिंग। अच्छा किया जो ये ले आया, दिखा बहुत सुंदर है ना?
मंदार, तुम यहाँ? मंदार? हाँ पल्लवी, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कल रात से मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज जा नहीं रहे, फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन लग नहीं रहे, टेंशन आ गया था इसलिए देखने चला आया। एक्चुअली और किसी का नंबर भी नहीं था मेरे पास, तो फिर किसी और से ले लेते, मतलब घर में सबके पास है इन सबका नंबर, तुम्हें इतने सुबह आने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती ना। अच्छा वो तो मैंने सोचा ही नहीं, अब इतना कुछ चल रहा है दिमाग में तो कभी कभी ये सब सोच नहीं पाता। सॉरी तुम्हें परेशान किया, मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आ गए हो तो अंदर आओ, आओ। सुनो ना, तूने मंदार को कहीं देखा है क्या? क्योंकि मैंने पूरा घर छान मारा, वो कहीं दिख नहीं रहा है। वही नहीं, मंदार पल्लवी से मिलने गया। क्या? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वही नहीं, इसमें रोकने की क्या बात है? पल्लवी मंदार की पत्नी है, तो उस नाते मंदार उससे मिल सकता है। सुलोचना वो मंदार की पत्नी थी, अब वो राघव की पत्नी है, और हमें उसके इस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। तुम्हारा बेटा वापस आया है, कम से कम अब तो पल्लवी के नाम की माला जपना बंद करो। आई होने का थोड़ा तो फर्ज निभा, पल्लवी बहू है इस घर की, तुम्हारे बेटे की पत्नी है, अपने बेटे का साथ दो और उनका रिश्ता पूरा करो। वैसे भी राघव ने पल्लवी से जबरदस्ती शादी की थी, वहां खुश तो नहीं होगी वो, आने तो उसे अपने घर वापस। वाह विजय जी वाह, पल्लवी इस घर की बहू है, उसकी खुशियां, उसके सपने, इन सब के बारे में आप कब से सोचने लगे? जब उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाला था तब ये नहीं सोचा था? जब से पल्लवी और राघव की शादी हो गई है तब से उसे बेइज्जत करने का, उसे भला बुरा कहने का एक भी मौका जाने नहीं दिया आपने, और आज अचानक से वो इस घर की बहू बनने लगी। शारदा तुम मेरी राघव और पल्लवी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, अपने मंदार को भी वो दोनों ही वापस लेके आए हैं, अपने बारे में, अपने घर की खुशियों के बारे में वो दोनों इतना सब कुछ सोच रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उन दोनों की खुशियों के बारे में सोचे, ना कि उनके रिश्ते में दखलअंदाजी करें। मैं उनके रिश्ते में कोई दखलअंदाजी नहीं करूंगी, ना ही घर के किसी सदस्य को करने दूंगी। मंदार को भी नहीं। अगिरते भाई, तुम पल्लवी पर लाखों रुपए उड़ा रहे हो, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, और वो तो तुम्हारे ही घर में अपने एक्स हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही है। मंदार हमारे घर पर है, तुम खुदा के अपनी आंखों से देख लो। फरहाद गाड़ी रोक। क्या हो गया ना? गाड़ी रोक फरहाद, तो कैब लेके शोरूम का जा, मैं बाद में आता। लेकिन अन्ना हुआ क्या बताओ तो सही। आते बताएगा, अभी तू जा। तभी मेरा फोन गिर गया और स्क्रीन टूट गई, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। अभी मेरे पास नया फोन है और नया नंबर भी। राघव ने ही दिया होगा ना नया फोन? हाँ, मेरे पति के सिवा और कौन मुझे फोन दिला कर देगा?
अंदर बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। पिछली बार मैंने बहुत जबरदस्ती की, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम जिस दौर से गुजर रहा है वो बहुत मुश्किल है, ऐसे में ऐसा हो जाता है। अच्छा तुम आए हो तो नाश्ता करके जाना। नहीं नहीं आंटी, आप लोग मुझे इतना समझ रहे, इतना कुछ कर रहे मेरे लिए नहीं काफी है। स्पेशली पल्लवी, जब से वो स्वेटर वाली बात मुझे याद आई है तब से मुझे ऐसा लगा कि मेरी आदत जल्दी वापस आएगी। पल्लवी तुम्हें डिस्टर्ब करने का या तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक प्लीज मेरी मदद करती रहो। ऑफ कोर्स मंदार, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। थैंक यू। पल्लवी मैं सोच रहा था कि अगर तुम अभी मेरे साथ घर चल सको तो, मतलब अम्मा ने मेमोरी वापस लाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस दी है तो मैं वो करना चाहता था ताकि मेरी याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। ऐसे बिना कुछ जाने अनजान लोगों के साथ अनजान घर में रहना मेरा बहुत दम घुटता है। अब यही देखो ना पल्लवी, मैं घर में से किसी से भी नंबर मांग सकता था लेकिन मेरा दिमाग चला ही नहीं, ना ही मैं हिम्मत जुटा पाया। पल्लवी मैं सबसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ लेकिन कदम ही नहीं बढ़ रहे। अगर तुम्हें सब ये गलत लग रहा है तो तुम मना कर सकती हो, कुछ जबरदस्ती नहीं। पल्लवी, 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 क्या हुआ? अम्मा पल्लवी कहाँ है? वो मंदार आया था तो उसके साथ देशमुख हाउस गया है। अगले 7 दिनों में पल्लवी यहाँ होगी मेरे साथ इस घर में और तेरे खिलाफ। राघव, बस भैया। क्या हुआ मंदार, हम यहाँ क्यों रुक गए? चाय पीने। राजू से अच्छी चाय पूरे हैदराबाद में कोई नहीं माना था। मैं जब एम्बुलेंस चला रहा था ना तब मैं और विष्णु अक्सर यहाँ की चाय पीते थे। पल्लवी तुम्हें चाय पसंद है ना? हाँ, पर हम तो घर जा रहे थे ना। हाँ पर अभी यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा चाय पी के निकले। सॉरी मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें पसंद नहीं तो हम घर जा सकते। ड्राइवर नहीं कोई बात नहीं, अब यहाँ तक आ गए तो चाय पी कर जाते। ये राजू तुम बैठो, मैं चाय बोलता हूँ। मुझे अदरक वाली चाय पसंद है। मुझे भी, बैठो। राजू। हाँ जी सर। ना स्पेशल रुंड चाय लाता हूँ सर। हाँ बैठो। बोल दिया मैं। क्या हुआ राघव? तू मेरे को मेरा पल्लवी से मिलना है। पल्लवी तो यहाँ नहीं है। मंदार मेरे घर आया था और वो पल्लवी को यहाँ लेकर आया है। नहीं बेटा, पल्लवी यहाँ नहीं है। मंदार वो घर पर है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लगता है मंदार और पल्लवी कहीं बाहर घूमने निकले। क्या है ना, रिश्ता बहुत पुराना है, तार कहीं ना कहीं तो जुड़ ही जाएंगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।